हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है जारी हो चुका है, यानी कि लॉन्च हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एक्टिव करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको इस्तेमाल करना है इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन में। उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम पिन से लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रुपये कार्ड का, तो यहाँ पे आप जो है रुपये कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्चुअल डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वर्चुअल डेबिट कार्ड के पेज पे आ जाते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है नो वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर दिस अकाउंट। तो आपके अकाउंट में ये जो है सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसको अवेलेबल करने के लिए तो नीचे में देखिए रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसे अगर आप लागू करना चाहते हैं, अपने अकाउंट में यूज करना चाहते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड को, तो आप इसे जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पे। वर्चुअल डेबिट कार्ड पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड टाइप में आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रुपये वर्चुअल कार्ड। यहाँ पे देखिए वैलिडेट 60 मंथ का रहेगा, तो यानी कि 5 साल का ये आपका जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि 60 महीने बराबर 5 साल होता है, 12 महीने का 1 साल होता है, तो इसी कारण से जो है 60 मंथ का 5 साल हो गया। तो आप इसे जो है 60 मंथ तक जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 5 साल तक इसे वर्चुअल डेबिट कार्ड को उपयोग में ला सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अगर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड अपने अकाउंट के लिए जारी करना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है 25 रुपया यहाँ पे करना पड़ेगा। आपके अकाउंट में जब ये सर्विस चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है 25 रुपये काट लिए जाएंगे। उसके बाद जीएसटी के साथ भी यहाँ पे आपको 25 रुपया काट लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है दूसरे नंबर पे इंडिया में कहीं भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूजेज पे आप कहीं भी इसे जो है इंडिया में, इंडिया के अंदर ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें लिमिट उमिट सेट करना है, कितना आप लिमिट सेट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है आप जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉक्स जो बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे वर्चुअल कार्ड आ जाएगा। उसके बाद वैलिडिटी 60 मंथ तक रहेगा, यानी कि 5 साल तक आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वही OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। जो भी आप अकाउंट ओपन करवाते समय मोबाइल नंबर दिए थे उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो चलिए मेरा जो है OTP आ चुका है, यहाँ पे OTP इंटर कर देते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट सक्सेसफुल। तो आप यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से देख सकते हैं मेरा जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है यहाँ पर सक्सेस हो गया है। तो आप इसे जो है कहीं पे भी ऑनलाइन जो है आप इसे यूज कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आप इसे उपयोग में ला सकते हैं, बशर्ते आपको इसका CVV नंबर जो होता है और ATM का नंबर जो होता है कार्ड नंबर, वो आपको किसी को नहीं बताना है। तो आपका यहाँ पे इसी तरीके से जो है अगर आप जारी करना चाहते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, कहीं पे सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो है टेस्टिंग पीरियड में चल रहा था। तो 1 दिसंबर को ये प्रॉपर तरीके से यानी कि लॉन्च नहीं किया गया था, कुछ देर के लिए ही लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने का ये मकसद था कि प्रॉपर तरीके से वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है स्क्रीन पे आ रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अभी भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो हफ्ते के बाद ही आएगा, ये कभी भी आ सकता है। चेक करते रहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन को, जो ओपन करके चेक करते रहिए। अगर आपके अभी फ़ोन में आ रहा है तो बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आ चुका है। जिसके फ़ोन में भी नहीं आ रहा तो वो कृपया वेट कर लें। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा सकते हैं, ताकि जो भी मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंच जाए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव या डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।